कतिया बिना अहंकार, कतिया बिना अहंकार मैनू चरण च रखियो। राधा अष्टमी पे मांग लो प्यारे, दोनों हाथ उठा के कही, हो मेरी राधा रानी सरकार मैनू चरण च रखियो। 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 पहला
मैनू चरण च रखियो, हाथों में फल फूल नहीं, हाथों में फल फूल नहीं, आंखों में आंसू लाया हूं, और जैसा हूं तेरा श्री राधे, मैं श्री चरणों में आया हूं, और तेरे दर पे आके श्री राधे एक भरोसा पाया है। अनहोनी सी बात हुई, मैंने जैसे सब कुछ पाया है, भटक भटक कर हार गया मैं तो, भटक भटक के हार गया, कदम कदम ठुकराया हूं, अब जैसा भी हूं तेरा सिरा दे श्री चरणों में आया, श्री चरणों में प्यारी श्याम राधिका गाऊं, जो रज को सन का दिक याचत, सोई रज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामनी की छवि निर्गत, मैं तो विमल विमल यश गाऊं, मैं तो विमल विमल यश गाऊं, मैं तेरी नौकर हां सरकार, मैं चरण च रखियो, मैं तेरी नौकर हां सरकार, मैं चरण च रखियो, संत करते हैं। कभी जाकर देखना, एक माई फटी पुरानी साड़ी पहने, हम लोग तो पार्किंग से गाड़ी लेके जाते हैं, उसके बाद भी कोई साधन मिल जाए महल तक जाने के लिए, अपनी बात कर रही हूं आपके पता नहीं, शब्द दिल को छूते हैं कि मैं तेरी नौकर हां सरकार, लेकिन क्या वास्तविकता है ये कि मैं तेरी नौकर हां? चाहते यही है कि श्री जी के महल में जाएं तो वीआईपी दर्शन हो जाए, नहीं हो तो बताते हैं, बता ना पाए
तो नोट दे देते हैं ताकि गुसाई भी आ जाए। लेकिन नौकरी पता है क्या होती है, किसी दिन आके रहो ना बरसाने, दो तीन दिन तो पता चले, सारा दिन महल में रहना। वो माई राधा बाग किसी ने देखा हो तो राधा बाग से जल भर के लाती है और श्री जी मान रखती हैं, दो गागर बड़ी बड़ी भर के अपने सिर पर रख के 365 सीढ़ियां चढ़ के आती है, 365 सीढ़ियां चढ़ के आती हैं श्री जी के पास और गागर रखती है, पसीना पहुंचती है। और मंगला के समय ये भी नहीं है कि मैं सबको धक्का दे के आगे निकल जाऊं, मुमकिन है जिसकी रोज की सेवा है, क्योंकि श्री जी का भोग, श्री जी का स्नान, श्री जी का सब काम उसी जल से होता है और ये सेवा उसको मिली है, सब जानते हैं उसको, क्योंकि श्री जी की सेवा में नौकर है वो वहाँ की। लेकिन इसमें भी कोई ये नहीं कि मैं सबको धक्का दे के आगे निकल जाऊँ, गोसाई जी को कहूँ कि देखो पहले मुझे आगे ले जाओ, नहीं। जब सब मंगला कर लेते हैं तो चुपके से जाती है, श्री जी को बस एक झलक देखती है और चुपचाप पीछे हट जाती है हाथ जोड़। ये होती है नौकरी। हमने कभी जीवन में मंगला की हो, की है किसी ने? किशोरी जी की मंगला की है? कोई महीने में दो तीन बार भी करता हो, साल में एक दो बार, तो इतने खुश होते हैं हम श्री जी की मंगला करते हैं। लेकिन जो माइया वहाँ पर कीर्तन करती है ना, सर्दी गर्मी तूफान आंधी कैसा भी हो, कोई चकसोली से आ रही है, कोई डबारा से आ रही है, 3-3 किलोमीटर से नंगे पैर पैदल, कितनी कड़कती सर्दी, जब मैं महल में बैठ नहीं पाती तब वो 3 किलोमीटर से पैदल चल के श्री जी की मंगला लेने के लिए आती। लेकिन ये भी नहीं कि हमें सबसे आगे जाना है। वो बाबा जो सालों से श्री जी की बीड़ी बना रहे हैं पान की, आज इतनी उम्र हो गई, पान की बीड़ी बनाते बनाते इतने थक गए कि अगर उन्हें खड़े होना हो ना तो कमर इतनी झुक गई है कि 15 मिनट पहले खुद को सीधा करने में लगते हैं तब चलते हैं। नौकरी, नौकरी का मतलब बाबा एक चवर बुला रहे हैं। ये कोई गरीब घर से आए नहीं है कि इन्हें कहीं मिला नहीं कुछ इसीलिए बरसाने में बैठे हैं। कितनी मिलों के मालिक, एक मिल की बात नहीं कर रही मैं, 2-3 मिलों के मालिक सारी रात बैठकर राधा रानी का चवर डुलाते हैं श्री जी के लिए। और उससे बड़ी नौकरी बताऊं, दूसरे बाबा पीछे बैठे हैं कि कहीं गलती से झपकी ना लग जाए, जैसे ही उनकी झपकी लगने लगे दूसरे बाबा निगरानी रखते हैं, दौड़ के जाते हैं कि श्री जी को कष्ट नहीं होना चाहिए, दौड़ के चलते हैं। ये होती है नौकरी। मैं तेरी नौकर हाँ सरकार, मन कर नच रखियो, मैं तेरी नौकर हाँ सरकार, मन कर नच रखियो, हो कतिया बे ना नहीं माने, क्योंकि जब तक मेरे आप अपने हो तब तक मैं आपको उस मार्ग पर ले जाती रहूंगी जो सच्चाई का है। आपकी तारीफ करके मैं आपके दिल में जगह बना सकती हूँ, लेकिन वहां क्या मुंह दिखाऊंगी। अगर श्री जी ने हमें उत्सव करने का मौका दिया है तो हम कार्ड में इतने बड़े बड़े अपने नाम छपवा दे, फोटो छपवा दे, तो क्या नौकर है। मेरे नाम के आगे जब ये ब्रजरस अनुरागी लग गया, मैं क्या चाहने वाली हूँ। मैं अक्सर मना करती हूँ कितने हटाऊँ कितने हटाऊँ, लेकिन एक संत, एक साधक स्वप्न आया कि वो पधार गए, कहीं जगह नहीं मिली। बोले ठाकुर जी मैंने तो आपका बड़ा भजन किया है, इतना भजन, उसके बाद भी मुझे जगह कहाँ मिली है, आपके चरणारविंद में नहीं। वो
बोले जितना तूने किया उससे ज्यादा तो पा लिया। जहां तूने दो माला करनी थी तुझसे कोई मिलने आया केवल दिखावे के लिए तूने दो माला और करनी शुरू कर दी कि अगले को पता चले मैं माला झोली करता हूं। जितना तूने मेरे नाम का गुणगान किया उससे ज्यादा कई गुना तो तूने अपने नाम के आगे लिखवा दिया कि परम पूजनीय। मेरे गले में एक हार डाला अपने में 10 डलवा लिए तो प्यारे तूने कहां भजन किया किस गलत फहमी में। फिर याद दिला दूं चाकरी तो वो है जो सिर पे गागर रख के आई है फिर भी चाह नहीं है केवल एक झलक श्री जी की देखती है। जीरो है सब बस वो कृपा कर दे तो कर दे वो करुणा भरना ले सरकार है इसलिए उससे ही प्रार्थना करो कि श्री जी ऐसी कृपा करना कि मेरी मैं की देने बलि आ गई ऐसी कृपा कर दो। हो कदी आवे ना हंका और इससे भी ऊंचा बोल मैं तेरे नौकर हां सरकार होए मेरी राधा रानी सरकार राधा रानी सरकार मेनू चरणा च रखियो
चरणा च रखियो ਮੈਨੂੰ ਚੜਨਾ